हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फिटू कुरिश पे एक बार फिर से। हैं तो आज आपका दोस्त लेके आ गया है एक धमाकेदार टॉपिक। जी हाँ, एक धमाकेदार टॉपिक जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि 18 से लेके 25 साल की उम्र में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हर इंसान क्या करता है, एजुकेशन से स्टार्ट करता है अपने करियर। सुनो, एजुकेशन से स्टार्ट करता है, पहले से पढ़ाई लिखाई करता है, उसके बाद अपना 12वीं तक का पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करता है। 12वीं तक का पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने का अपना बोला जाए तो 12वीं तक का पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद उसके बाद वो क्या करते हैं, कॉलेज करता है, कंप्यूटर करता है, डिग्री डिप्लोमा करता है, ये सब नो। उसके बाद उसी दौरान बोला जाए तो उसी इंसान का मतलब उसके मम्मी और पापा को उस बच्चे के पीछे देखा जाए तो मैक्सिमम 3 से लेकर 5 लाख रुपये खर्चा हो जाता है। ठीक, 3 से 5 लाख रुपये खर्चा हो जाता है, उसके बाद भी उस बच्चे के करियर का कोई गारंटी नहीं रहती। इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो 18 से लेकर 25 साल का जो उम्र रहता है, उस 18 से लेकर 25 साल के उम्र में हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सा इनकम सोर्स पकड़ सकते हैं। और इनकम सोर्स पकड़ने के लिए मतलब हमको कुछ काम वगैरह करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एज का ज़रूरत रहता है, उसको बोला जाता है 18 ईयर्स। मतलब 18 साल की उम्र से इंसान काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, मतलब 18 साल की उम्र से इंसान को ये अधिकार मिल जाता है कि वह अपना काम स्टार्ट कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है। सुनो, ठीक, वैसे वो काम स्टार्ट करते हैं तो ऐसे देखा जाए तो जैसे वो इंसान अभी के डेट में क्या काम कर सकता है, अब 12वीं तक तो पढ़ाई लिखाई करेगा तो वो तो नहीं चाहेगा कि मैं जाके या खेत में हल चराऊं, नागर जोतूं, या सर नो। ठीक, तो और बहुत सारे लोग होते क्या हैं, कोई मिस्त्रीगिरी का काम करता है ना, और संग बोला जाए तो और कोई खाने कमाने के लिए हैदराबाद चले जाते हैं, तेलंगाना चले जाते हैं, तमिलनाडु चले जाते हैं ना, तो वहाँ सब ना जाना पड़े उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता है जिसको बोला जाता है डायरेक्ट सीलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सीलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों आप वर्क करके अपने एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। अगर आपने 18 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र में ईमानदारी से अगर डायरेक्ट सीलिंग इंडस्ट्री में अपना समय पूरा लगा दिया तो आगे आपके एक बहुत ही बेहतरीन करियर रहेगा, एकदम मिलियनर लाइफ की जाए। ठीक, वो कैसे होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा किसी भी डायरेक्ट सीलिंग इंडस्ट्री में। और डायरेक्ट सीलिंग इंडस्ट्री में कौन सा डायरेक्ट सीलिंग इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन जो सर्विस देता है उसकी बात किया जाए तो उसका नाम होता है स्मार्ट वेल प्रोडक्शन सर्विस लिमिटेड। एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जिसका 85% काम बोला जाए तो गवर्नमेंट के नियम और कानून से होता है, 15% काम जगह के मैनेजमेंट से होता है। ठीक, इस प्रकार की जगह बोला जाता है भारत सरकार का उपक्रम। ठीक है, ये तो आज देखा जाए तो दोस्तों ये भारत का पूरा भारत का नंबर वन ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, कंपनी नहीं बोलते दोस्तों, एक नंबर वन ऑर्गेनाइजेशन जिस जगह से आज बोला जाए तो आज 40-40 लाख से भी ज़्यादा लोग आज अपना करियर बना पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। यहाँ तक कि मैं खुद आज 2 सालों से इस जगह में आज वर्क कर पा रहा हूँ, आगे बढ़ पा रहा हूँ। साथ साथ बोला जाए तो मेरा एज 20 ईयर्स है ना, 20 ईयर्स है और इस जगह में आज काम कर पा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से बात की जाए तो मैं अपना खर्चे वगैरह सब कुछ यहीं से मेंटेन कर लेता हूँ, है ना, कुछ भी घर से लेना नहीं पड़ता है ना। सेम दैट वही रास्ता, अभी मेरा एज 20 साल है, कुछ टाइम पे 21 साल हो जाएगा, ऐसे करते करते आने वाला 24 साल तक में या 23 साल तक में या 22 साल तक में मैं इस जगह से अगर अच्छे से वर्क कर लेता हूँ तो आने वाला 25 साल के बाद मेरा लाइफ स्टाइल एक अलग मुकाम पे जा सकता है। जैसा नो, ठीक, तो वैसे ही कैसे, तो ये कैसे होगा वो भी जानना ज़रूरी है। ठीक, तो उसके लिए बात किया जाए ये कैसे होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको इस जगह में एडमिशन लेना पड़ता है। एडमिशन लेने के लिए क्या है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी बताया जाएगा कि इस जगह में क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए, है ना। सबसे पहले इस जगह में आते हैं तो किसी भी इंसान को इस जगह में आने से पहले एक जानकारी बताया जाता है कि इस जगह में हम कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीज़ लेके काम करते हैं, पूरा नॉलेज उसको दिया जाता है। ठीक, उसके बाद नॉलेज बताने के बाद उसको अगर सेटिस्फाइड हो जाता है इस पूरा नॉलेज से तो उसको इस जगह में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। एडमिशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ता है, एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी, अगर वो हेल्थ सेक्टर में आ रहा है तो। इस जगह में हम लोग 4-5 सेक्टर को लेकर काम करते हैं, पहला हो जाता है एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट, एजुकेशन, है ना, इतना सारा चीज़ को लेकर काम करते हैं। अगर कोई इंसान 12वीं पास हो गया कंप्यूटर इस जगह से सीख सकता है एकदम धमाके तरीके से, इसके साथ साथ कोई अपना अगर हेल्थ को बेटर रखना चाहता है, अच्छा रखना चाहता है तो उसके लिए भी एक ज़बरदस्त रास्ता है। वह इस जगह से अपने कंप्यूटर सीख सकता है, आईटी के क्षेत्र में है जिसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका आज मार्केट डिमांड कर रही है, उसके क्षेत्र में आज अपने नॉलेज को डेवलपमेंट कर सकता है। ठीक, तो ऐसे देखा जाए तो 5 साल के अंतराल में आपके एक अच्छे से अच्छा बेटर से बेटर करियर बन सकता है खुद के दम पे, और आगे आप अपने एक अच्छे से अच्छा करियर बना सकते हो। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर मैं यही सलाह दूंगा कि 12वीं तक पढ़ाई तो हो गया आपका, पढ़ाई ऐसा है 10वीं वालों को देख लेना, उनका आजकल गधे गधों का परसेंट ना 96, 97, 98, 99, 80, 85 ऐसे ऐसे परसेंट आ रहा है, बताओ भला, बिना पेपर दिए बताओ, बिना पेपर दिए कोई इंसान इतना परसेंट लाएगा तो क्या करियर बना पाएगा,
नॉलेज तो कुछ है नहीं, क्या खाक करियर बनाएगा? नॉलेज उसके लिए होना ज़रूरी है। ठीक, पहले पुराने समय का पढ़ाई देखना दोस्तों, उस समय क्या होता था, एकदम 8वीं पास होते ही उनका नौकरी लग जाता था, 10वीं पास होते ही नौकरी लग जाता था। अब के समय में क्या हो रहा है, जो PhD किया है ना वो भी लाइन लगा हुआ है चपरासी केस में, ऐसा ऐसा सिचुएशन आ गया है। ठीक, इसलिए आज पढ़ाई लिखाई में उतना ज़्यादा करियर नहीं है, मुश्किल से गिने चुने लोगों का आज करियर बनता है, सभी लोगों का नहीं बन सकता है ना। इसलिए सलाह यही दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो नॉलेज के लिए करो, 12वीं तक ही करो, ज़्यादा नहीं। उसके बाद 12वीं के बाद ऐसे पढ़ाई करोगे तो पैसे ही खर्च होगा, 12वीं तक तो आप पैसे ही खर्च किए, 3 से 5 लाख रुपये खर्चा हो गया, कुछ हुआ कुछ नहीं। आगे भी 5 साल खर्चा करोगे उसमें भी 2-3 लाख खर्चा हो जाएगा, कुछ मिलेगा सर्टिफिकेट सर दिखाने के लिए, उससे करियर नहीं बनता भैया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना करियर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप विश्वास नहीं करेंगे, आप YouTube में सर्च मार के देख लेना, एक से एक मिल जाएंगे आपको, है ना, जो अपना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा करियर बना पा रहे हैं। 10वीं पढ़ा लिखा किया हुआ बंदा, बताओ 10वीं फेल इंसान मुकेश अंबानी अपना करियर स्टार्ट कर लिया, कैसे, वो भी एक डायरेक्ट सेलिंग लेकिन एक बिजनेस तरीके से, है ना। तो हम एक लागत, उतना सारा लागत तो नहीं लगा सकते मुकेश अंबानी की तरह, जियो सिम लॉन्च कर देंगे, 1 साल फ्री कर देंगे, ये सब नहीं कर सकते। तो इसलिए हम सिंपल सा लॉजिक है, हम नॉर्मल फैमिली में रहने वाले हैं, है ना, तो हम नॉर्मल तरीके से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसे मैं स्टार्ट किया वैसे आप भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, है ना, मैं अपना ईमेल आईडी दे सकता हूँ, उसमें आप मेल कर सकते हैं। ठीक, ज़्यादा नहीं बोलते, इस जगह में एक बार आके देखिए, 3 साल ग्रेजुएशन मान के कीजिए एकदम ईमानदारी से, आने वाला 4th साल से आपका करियर एक अलग मुकाम पे जाकर नहीं आएगा तो क्या बताऊँ। ठीक, एक बार विश्वास करके देखिए दोस्तों, लाइफ बदल जाएगी। यहीं पास मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो मैं बहुत दिन से वीडियो बनाने को सोच रहा था, 18 to 25 ईयर्स और, लेकिन बना नहीं पा रहा था। आज थोड़ा थोड़ा जानकारी बताया हूँ, है ना, क्योंकि मेरा पेपर आ गया था बीच में, है ना। और कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट्स में बोल सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा।